होली है तो मालपुए भी बनाएंगे। मालपुए हम आटा से बनाएंगे। तो 1 कप इसके लिए मैंने ये आटा लिया हुआ है इधर, साथ में इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप ये सूजी। सूजी ऐड करके देखना फ्रेंड, बहुत ही अच्छे मालपुए बनते हैं। मालपुए हैं तो इसमें सौंफ भी जाएगी। 1/4 कप मैंने ये सौंफ ली हुई है, दरदरी कुटी हुई है, इसको ऐड कर लेंगे इसमें। यहाँ ये इलायची दाने क्रश कर लिए थे मैंने, इनको ऐड कर दूंगी इसमें। 4 टेबल स्पून मैंने ये फ्रेश घर की मलाई ली हुई है, जो हमारे घर में अक्सर होती है वो ली हुई है। आप कुछ कोई भी ले सकते हैं बाजार से, जो मलाई आती है अमूल वगैरह की, वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये मिल्क, हल्का गर्म मिल्क है, लिक्विड बाम जिसे मिल्क कहते हैं, हल्का गर्म। तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके हमने रिबन कंसिस्टेंसी वाला इसका घोल तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसका घोल बनाएंगे। ये देखिए आटे को हमने मिक्स कर लिया है, इतना हमारा दूध लगा है और इतना बच गया है इसमें। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी। ये देखिए हम इस तरह से डोप दे रहे हैं, तो इस तरह से होना चाहिए ये। अब ढक के हम इसको 15 मिनट हम ढक के इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। 1 कप मैंने यहाँ चीनी ली हुई है, शुगर। अब 1 कप ही इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, साथ में ऐड करूंगी इलायची के दाने क्रश किए हुए, थोड़े से केसर के धागे इसमें ऐड करूंगी। हमने एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमने सिर्फ इसको उतना ही, जब तक चीनी मेल्ट हो जाए तब तक इसको पकाना है, और उसके बाद थोड़ा सा हल्की सी चिपचिपी हो जाए ये, तब तक हमने इसको पकाना है चाशनी को। यहाँ पे ये देखिए चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है, हमने कोई एक तार की चाशनी नहीं बनाई है, हल्का चिपचिपापन आने पर हमने इसको बंद कर देना है। अब ये देखिए इस तरह से टच करने पर चिपचिपापन आ चुका है, इसमें कोई चाशनी नहीं, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब हमने इसको गैस को बंद कर देना है, गर्म करने रख दिया था हमने गैस के ऊपर। अब इस तरह की लीड लेके हम ये देखिए इस तरह से इसमें ऊपर से पोर करते जाएंगे, अपने मालपुए अपने आप ये शेप ले लेंगे। ये देखिए एक साइड से सिकने के बाद इनको हम दूसरी साइड पर देंगे, दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम इनको सेक लेंगे और फिर इस तरह से निकाल लेंगे। एक और मालपुआ हम इस तरह से डाल देंगे, भी एक साइड से सिकने देंगे। आप 2-3 हैंडल कर सकते हैं, तो थोड़ी बड़ी स्पेस की कढ़ाई है तो 2-3 भी डाल सकते हैं। इसको भी दूसरी साइड पर देंगे हम इस तरह से, अब इसको भी निकाल लेंगे हम। एक और पलट लेंगे हम दूसरी साइड भी इसको कलर आने तक सेक लेंगे। ये देखिए ये भी तैयार है। अब ये जो मालपुए हमने तैयार किए, इनको चाशनी में, हल्की गर्म चाशनी में हम 3 से 4 मिनट इस तरह से डुबो लेंगे, ताकि ये चाशनी को अब्जॉर्ब कर लें। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये यमी यमी से मालपुए बन के तैयार हैं इस तरह से। इसको गार्निश करूँगी मैं कुछ पिस्ता से, बहुत ही यमी और टेस्टी लगते हैं ये खाने में। ये देखिए।